बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। तो मतलब मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रखे थे कि उत्तराखंड पुलिस का सिलेबस बता दीजिए कि क्या है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको, बट मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि उत्तराखंड का जो पेपर होता है ग्रुप सी का, वो 100 नंबर का होता है, जिसमें 20 नंबर की हिंदी आती है, 40 नंबर का उत्तराखंड देखने को मिलता है और 40 नंबर का जीएस आता है। जीएस में 10 नंबर की रीजनिंग। तो पहले सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिंदी में क्या क्या चीजें आता है और मैं उसे रिपीट भी कर देती हूँ। उसमें आपका जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, अलंकार हो गया, संधि हो गया, और क्या शुद्ध वाक्य को शुद्ध मतलब शुद्ध देखना पड़ता है, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, और क्या है लोकोक्ति हो गई, मुहावरे हो गए, ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आप जो सबसे ज्यादा जो फैक्ट दिए जा रहे हैं वो साहित्य के, साहित्य में 2 से 3 नंबर का साहित्य दिया जा रहा है, तो टोटल 20 नंबर का होता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये ग्रुप सी की जितने भी पेपर हो गए, चाहे पुलिस का हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, कनिष्ठायक हो गया या बंदी रक्षक हो गया, उसमें 100 नंबर का पेपर रहता है और हिंदी का सेम यही सिलेबस रहता है। अभी पटवारी का भी हुआ तो सेम यही था और वीडियो का भी हुआ सेम यही हुआ, बट आने मतलब फ्यूचर में बोल रहे कि एसआई का शायद 300 नंबर का पेपर होगा, तो उसमें थोड़ा सा सिलेबस चेंज होगा, मैथ्स और रीजनिंग दिया देंगे और हिंदी को थोड़ा बढ़ाएंगे। तो आप ये देख लीजिएगा, पुलिस का ही बता रही हूँ क्योंकि पुलिस का ही आपने कमेंट किया था, और ग्रुप सी की जो अभी फिलहाल जितनी भर्तियां चल रही। 40 नंबर को उत्तराखंड आता है आपका, तो उत्तराखंड में आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी, चंद हो गया, पवार वंश हो गए, गोरखा शासनकाल हो गया, ब्रिटिश शासनकाल हो गया, कार्तिकेयपुर वंश हो गया, ठीक है, खसों ने कब से कब तक, और क्या है जातियां देखने को मिलती है। दूसरा क्या देखने को मिलता है, क्षेत्रफल, भूगोल देख लीजिएगा, ज्योग्राफी जो उत्तराखंड की ज्योग्राफी है, कौन कौन सी 5 जातियां यहाँ पर क्या है निवास करती है, मतलब कौन कौन सी जातियां पाई जाती है वो हो गया, योजनाएं हो गई उत्तराखंड की, नदी परियोजनाएं हो गई, नदी की लेंथ हो गई, पहाड़ हो गए, पर्वत मतलब पहाड़, बुग्याल, ग्लेशियर, ये सब चीजें उत्तराखंड का आपको पता ही है। तो उत्तराखंड में मैंने आपको बार बार बोल रखा है कि आप परीक्षा वाणी से पढ़िए, परीक्षा वाणी इनफ है आप लोगों के लिए। तो अभी उत्तराखंड पुलिस की भर्ती आने वाली है, तो अभी से आप तैयारी करके रखिए। तीसरा आप लोगों का जीएस का पोर्शन, तो जीएस आप सभी को पता है, जीएस में आपको पॉलिटिकल साइंस हो गया, जिसमें संविधान संशोधन हो गया, हमारे अनुच्छेद हो गए, अनुसूचियां हो गई, ठीक है, राष्ट्रपति हो गए, महान्यायवादी हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, मुख्य न्यायाधीश, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है पॉलिटिकल साइंस में। फिर दूसरा हमारा आता है ज्योग्राफी का पोर्शन, तो ज्योग्राफी में आपको भारत का, इंडिया की ज्योग्राफी भी पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों ज्योग्राफी लेना है, जिसमें पर्वत दर्रे कुछ भी नहीं छोड़ना, नदी तंत्र कुछ नहीं छोड़ना। तीसरा आपका आता है, तीसरा क्या देखने को मिलता है, तो तीसरा आता है हिस्ट्री, जिसमें आपकी कौन सी आधुनिक भारत भी देखने को मिलती है और पुराना जो इतिहास है वो भी देखने को मिलता है। चौथा आता है आपका इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स भी आपको देखना ही है। और 10 नंबर की आपकी आती है रीजनिंग, रीजनिंग में आपको सब पूरा पोर्शन देखना ही है, क्योंकि रीजनिंग वो कहीं से भी दे दे रहे, और 1 या 2 नंबर का मैथ्स दे दे रहे नॉर्मल सा। और करंट अफेयर अभी के पेपर में मतलब जब से हमने देख रखा है तो ज्यादातर करंट अफेयर दे रहे, 5 से 6 नंबर का करंट अफेयर दे रहे उत्तराखंड के पोर्शन में, उत्तराखंड का करंट अफेयर दे रहे, और जो जीएस का पोर्शन दे रहा है उसमें इंडिया का मतलब करंट अफेयर दे रहे। तो स्क्रीन पर मैंने दे दिया है आप लोगों को, फिर भी आप देख लीजिएगा, सिलेबस मैंने आपको लगा दिया है तो भी आप देख लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।